बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इशू है एक, हम लोगों ने थोड़ा सा करेक्टर क्रिएट किए हैं, वो क्या है स्पेशली प्रॉपर्टी प्रॉब्लम। और इसमें है बहुत सारे हिस्से जो बीवी और उनके हस्बैंड ने मिलके प्लानिंग के साथ, सही कह रही हूँ मैं, प्लानिंग के साथ एक थोड़ा धोखा दिया बहनों को, और बहनों का हक बनता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका शेयर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है उस बात पे कम, और बहुत सारी बातें ऐसी निकल रही हैं जो बड़ी, मैं हैरान हो रही हूँ कि क्या क्या बातें निकली। लेट्स सी हम चलते हैं। अच्छा ये बात बताएं, आपने, इन्होंने जैसे कहा कि दो बार आपके ऊपर खर्चा किया गया शादी कर, देखिए बात शादी खर्चे की नहीं होती, बहनों का शादी पे कितना भी खर्चो, सादगी से शादियां हुई थी, कोई जेब भी ज्यादा लिया था, और वो तो पैसा था, तो पैसा तो माँ बाप भाई का हक तो होता है ना, आप ही आपको, अरे थाली के बैगन मत बनो, नहीं ऐसे तो नहीं हो जाता ना निकल के, आपको लड़का आया और ले गया, भाई ने कुछ तो किया होगा, जितना मैंने खर्चा किया शादी में शादी में जोड़े लेके आप अपनी भाभी एक आ रही है, हमने कहा घर की एक बहू है, पहली बहू है, तो हम अपनी माँ को समझाते थे, माँ ये ऊंची आवाज से बात करती थी, भाई की मंगनी तू ये कर रहे थे और बातचीत चल रही थी, जबानी तय हो गया था, हमने कहा मंगनी की रस्म नहीं करते, डायरेक्ट शादी का होगा, मगर ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई और ये इन्होंने कह दिया, मैं लैंग्वेज तो सुनिए, ये कह रही है भाभी बीच में आ, बीच में आ गई, आप हस्बैंड साहब ये बताएं, आपकी मंगनी खाला की बेटी से हो चुकी थी, उसी गम में मैंने सुना आपकी वालदा भी इंतकाल कर गई, वो जिद पे थी कि मैं अपनी बहन, ऐसा था अगर अम्मी को भाई बुरा लगा था, अम्मी का दिल बहुत दिल टूटा था, नहीं नहीं मुझे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को किस मुंह से फेस, बाजी याद नहीं अम्मी हम में आई थी, मना किया था कि मैं नहीं करा, तो आपसे मुझे जो कही थी कि मैं जाके हम दोनों हाथ जोड़ लिए, तो मेरी हाथ टूट गई थी, इन्होंने अपनी बात की, आप तो मोहब्बत तो क्या नहीं होता, मोहब्बत में तो भाई आज ही हमारा हिस्सा असल बात ये थी। देखें जब वालिद साहब जाहिर बहुत ज्यादा बीमार थे ना, तो असल में अम्मी को जो टेंशन थी वो ये थी, अच्छा ये टेंशन नहीं थी कि मैंने मंगनी तोड़ दी, अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद मैंने ने पसंद किया और फिर शादी, मगर जिस दिन तुमने इनकार किया उसी दिन उनका बीपी हाई हुआ, नहीं असल में ये लोग जो है बात को बढ़ा रहे हैं इसके घर से, नहीं हर तरीके से इजाजत है कि आप शादी अपनी मर्जी की कर सकते हैं, मगर ये इस बात को ज्यादा इशू बना रही है, इन्होंने जो दो दो शादियां की है, इनसे गम हुआ तो क्या मैं इसको ना, नहीं तो पहली शादी सच बात है, वो तो अच्छा एक और बड़ी बात है, शादी करनी पड़ ली, अब अपनी प्लीज मैम एक मिनट, मैंने एक और बात सुनी है और मुझे ये अभी पता चला है, और वो ये है कि जितना जेवर जो अभी ये आपसे कह रही है कि हमारी वालदा के आपके पास है, तो पिछले दिनों इनके घर में डकैती पड़ी, बकौल इनकी वाइफ के, सॉरी टू से, इनको भी नहीं मालूम, और इन यानी कि इनको ये मालूम है कि डकैती पड़ी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आया कि वो सच है कि झूठ, वो इनके बकौल ताकि जेवर ना देना पड़े, वो सारा जेवर चोरी हो गया है, सही कहा जाएगा, बहाना बना देगा, ऐसा हमें नहीं पता था कि कितना जेवर है अम्मी का, कितनी चूड़ी, जितना भी जेवर था चाहिए, देना नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड कोई ऐसे थोड़ी झूठ बोलेंगे, इन्हें तो खुद बोला था कि उसको जो बेच के हम बाजियों पे हिस्सा पहले ही निकाल, अरे नुमान तुम तो छोटे हो, तुम्हें क्या पता, अच्छा जो बात सर सुन रहे हो, अच्छा डकैती पड़ी थी आपके घर में, इसका मतलब है, नहीं नहीं ये हो गया था इस तरह के, वो क्या मतलब हो गया था, मतलब झूठ बोल रहे हैं क्या, मतलब नहीं नहीं वो डकैती हुई थी, हो गई थी, लेकिन जो है ना मैं तो नहीं पता था, सर जो है ये खा के चले गए, हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हमारे से बहस ना करो, आप आपको हिस्सा सब मिल जाएगा, भाई की तो शॉपिंग ही नहीं होती है, बस इससे लेके इसमें सारा इनका अपना भी जेवर चला गया था, अब जहां तक रहा आपके हिस्से का आपको मिल जाएगा, आपने भरोसा तोड़ा, अब ये सिचुएशन ये होगी कि घर आपने सेल कर दिया है, पैसा आपने डम कर दिया है, उनको आगाह किया नहीं, चले जिस पर्पज में लिया आपके वालिद के ऊपर पैसा, कैंसर पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है ऑफकोर्स, उनके ऊपर जो भी लगा, उसके बाद आपने इनको विदाउट एनी इन्फॉर्म किया, आपने जिस पर्पज के लिए लिया था कि गिरवी, लेकिन आपने सेल कर दिया, उसका अमाउंट कुछ भी
नहीं मेंशन किया कि क्या कितना लगा और कितना बैक रह गया। अब आप कह रहे हैं कि जो बाकी पैसा, क्योंकि एक 50 करोड़ के बाद मतलब 50 लाख और 50 लाख अभी बच गए, वो आप टोटल कह रहे हैं कि वो शॉप पे लगा है। अभी आप पे भरोसा नहीं कर पा रही है, कह रही है अब हमें दुकान सेल करें, सॉरी टू से, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। नहीं देखिए, दुकान जब सेल हम कर देते हैं तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मेरा भी बच्चों का साथ है, मुझे भी अपने बच्चों को देखना है। अब सिर्फ करना है एक रुपया चोरी करे ना तो वो तो चोर के लाता है, और जो 1000 या 1 लाख रुपया चोरी करे वो फंकार के लाता है। आप फंकार बन जा रहे हो, बस देख लीजिए, भरोसा उठ चुका है। एक दफा बात हो गई, तुमने शुरू में अगर बहनों का भरोसा रख लेते और हर चीज प्रॉपर उसमें करते तो सब सही हो जाता। मुझे मना करती थी कि सिस्टर्स को नहीं आने दो घर पे, मैं कहता था नहीं। अच्छा, आप ऐसे कहते नहीं? मैं कहता था नहीं बोलूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है देखिए आपके सामने ना ये सही करते तो जब हम इनके घर जाते थे सर बांध के बीमार बना के खाना बना बना के लेके जाती थी, आज तक उसकी तो कोई कदर। इन्होंने कभी आपकी खिदमत की? एक बार मुंह से कहा कि मेरी नंदो ने मेरे लिए किया। ये ऐसे ही झूठे इल्जाम रख रही है। मैंने इनके लिए बड़े दस्तखान बिछाए, बच्चों को अपने हाथों से कुछ याद नहीं है, ये तो पूरा टप्पर लेके आ जाती थी महीनों के लिए, फिर तलाक लेके आ गई पहले शोर से, तो कौन करता था? बच्चे मेरे भी पकड़ाती थी, भेजती थी बच्चों को जा 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 के चीजें शॉपिंग हर वक्त मॉलों में होती थी घर में। तो ऐसे वक्त आती थी जिस वक्त अम्मी भी सो चुकी होती थी, आराम कर रही होती थी और खाना और चली जाती थी मेरा। इन्होंने इनको बताया अपनी भाभी को, आपको नहीं कि ये किसी से मिलने जाती थी शादी से पहले? नहीं नहीं, ये सब अब देखो जब दाई हिस्से की बात हो रही है ना तो किसी पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप ये देखो, मैं बताती तो पहले ही बता दिया आपको, ये हिस्सा मांगे तो गलत सलत बातें करके इल्जाम लगाओगे की बात होती तो मैं पहले बताती ना, ये छोटा भाई बता रहे मैंने काम ही रखा। सुनो, आप अपना भूल गए हो जब खाला की बेटी से, वो तो अपनी बात को कह के दबा दो और अपना जो आपका फिर आपका इल्जाम हम पे रख रही है कि पसंद की शादी हुई है। हम कहते हैं आप चलो हम झगड़ा खत्म कर, हम ये कह रहे हैं हमारा हिस्सा दे दो, बड़े अफसोस की बात है यार। आप घर के प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले रहे, आप दुकान पे भी एक टोपी दे रहे कि हम देंगे, फिर वो जेवर को भी आपने जाके डकैती में डाल के वो भी एक तरफ से कर दिया, उनको तो आप अभी लारा दे रहे हैं, सॉरी टू से, आप सिर्फ लारा दे रहे, देंगे 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 पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी तो दो बार तो तुम थाने में पकड़े गए हो एक लड़की के चक्कर में, और अभी तुम बोल रहे हो मैं पढ़ाई कर लूंगा, कौन सी पढ़ाई? मैं गई तो मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सुनाया कि भाई आपका भाई इधर पकड़ा गया उधर, मुझे बहुत बुरा लगा, आपको ये कभी भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी। खोल सकता हूँ फिर मुझे भी, आपने तरबियत नहीं की, भाभी ने कर दिया ऐसा? नहीं भाभी ने नहीं बोला, ये कहा मैंने सुना सुना। एक और ये मुझे इन्होंने बताया कि एक बार कहीं ये बीमार जब भी अपने हस्बैंड से नाराज होके आ गई थी तो आपने इनको चाय में कुछ मिला के ट्राई किया था इनको बेहोश? नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे इन्होंने मुझे होश नहीं आया, इनकी तबियत उल्टियां लग गई थी, तो दूध तो आपने नहीं दिया था ना? नहीं नहीं, 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 नहीं
किसकी साइड हो गई है छोटी की, आपको अपना भाई नजर नहीं आ रहा? आपको जो सब कुछ आपके सामने है आप सब कुछ जानती हैं, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल है, आपने उसकी आदत पता है छोटी की? निधा तुम तो अभी आई हो, मैंने अम्मी अब्बू की जिंदगी में भी देखा है सब कुछ। अरसलान चेंज हो गया। अच्छा सुनिए, खिदमत नहीं करती थी? बिल्कुल भी अम्मी की खिदमत नहीं करती थी भाई? थोड़े को दिन आ गए तो कर ही लेता इंसान। हमने एक मेड रखी थी, अटेंडेंट रखी थी। आपने मेड रखवाई थी के लिए? अटेंडेंट रखी। अच्छा आपको सुना था आपको शायद एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से मेड रखी? नहीं नहीं, एक्सीडेंट की बात नहीं है, दूसरी बात बच्चे भी हैं मेरे छोटे, मुझे उन्हें भी देखना होता था, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और इनकी इजाजत से घर के सौ काम भी होते हैं सारे बहन भाइयों का। बहनों को बिल्कुल भी आप नहीं ख्याल आता, आप अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते, अपनी वाइफ को ज्यादा सपोर्ट? नहीं नहीं, मैं बहनों को भी सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। जाहिर बहन है मेरी, लेकिन वही बात है कि अभी मुझे अपना अपना घर भी देखना है ना। ठीक है ना, वो अपने घर में खुश हैं, खुश रहें। मुजाहरे में दुआएं करते हैं। नहीं है ना? नहीं, ये धोखा नहीं था, ये क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी? कुछ आप राज की बात क्यों नहीं बता रहे? मैं यही बता रहा हूँ कि वो वालिद साहब के लिए पैसे चाहिए थे ना, उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ा। अब रहा ये सिलसिला इनको पैसे देने का, तो मैं कुछ ऐसी सेटिंग बनाऊंगा। ये दो साल इसके रह गए, ये की शादी होगी, बताओ सब लोग आएंगे तो क्या होगा? अगर बहन भाइयों में इस तरह झगड़े होते रहे, इस तरह बदमजगी होती रही, तो ससुराल वाले कैसे? आप उन्हें समझाए ना, देखो ना अपने अपने आप इंसाफ करें। अभी आप बताएं कि हम हिस्सा मांगने के लिए गलत बात कर रहे हैं भाई, बहनों का हक होता है। इन्होंने आपको मारने की भी कोशिश की थी? बिल्कुल, ये इसी तरह की बताया था उन्होंने मुझे, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा उसकी बात क्या किया इन्होंने जो आपने किया? अच्छा नहीं लगा, जब पेश दिया जाए ना तो आदमी को होश नहीं आता। मैं मेरी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, इल्जाम लगाने के लिए इनके सौ बातें नहीं। इन्होंने मारा है, इन्होंने बहुत बदतमीजी भी की है मेरे साथ, मुझे एक आध दफा घर से भी निकाला है कि जाओ अपनी अम्मा के घर। ये काम पे जाते थे तो ये पीछे से इनकी हरकतें मैं क्या क्या बताऊं अभी, तो इन्होंने किया है। सुन ले, इनके घर में इनकी छोटी बहन आई है, वो बकौल वो उनके जो है छोटी सिस्टर के, कि इनका जो छोटा भाई इसलिए इनकी बात ज्यादा सुनता है क्योंकि ये इन्होंने इनको लारा दिए कि मैं अपनी छोटी बहन से मंगनी करूंगा। तो बकौल इनके कि कोई मुजायका नहीं अगर मैं मेरे देवर के साथ उनकी शादी हो जाए, इसलिए उनका जो पलड़ा है वो इनके डोमेन में ज्यादा गिर रहा है। ऐसा तो नहीं है? आप इन्होंने कहा है भाभी ने कि मैं अपनी छोटी बहन की मंगनी करूं? वो तो बोला है लेकिन आपकी बीवी ना घर पे बाजी आपको तो पता नहीं है, आए दिन आप ही जो ना आके घर पे ही झगड़े करते थे। सभी इसलिए किया है क्योंकि इनकी बहनों की तो आदतें ऐसी हैं। अब मेरी ही अपनी कोई आएगी तो संभाल तो लेगी, नई बंदी तो समझ ही नहीं आएंगी। ये तो आप सोच रही हैं ना, मगर ये तो भाई तो सुकून से रहेंगे, आप तो सुकून से रहने नहीं देंगे आप लोगों का। तो हम बहनों से कट के रह लो, बहन भाई एक दूसरे से कट के नहीं रह सकते भाई। आप उज्जैन में बहुत हो गया, मुझे नहीं आ रही बात। अच्छा अच्छा एक मिनट, अच्छा इसका सलूशन निकालते हैं। देखिए घर में इस तरह के मसले हो जाते हैं और कोई बुरी बात नहीं है अगर आपकी छोटी बहन के साथ अगर रिश्ता होता है, उस बच्चे का अभी वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसके बाद अगर आपके घर में ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, जो अभी मैं आपकी बड़ी बहन से मशवरा कर लेती हूँ कि उन्होंने क्या सोचा है कि किस तरीके से उसको आप कितना एडमिट करते हैं या नहीं करते, वो सिस्टर आपके पास क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि देखो ये शरई बात है और हमारे मजहब में भी नहीं है कि एक दूसरे से हम बदमजी करके दो तीन दिन भी लड़े बिल्कुल बात ना करें, ये तो हमारे मजहब में भी नहीं है। तो अब हमें ये चाहिए कि जो दुकान इसके पास है उसका हिस्सा, जो मुनाफा तुम्हें होता है उसका तुम हिसाब लगाते रहो और फिर बहनों का अलग कर दो और अपने घर के खर्चे का अलग कर दो। और नुमान अभी तुम्हारे पास पड़ रहा है, कल को इसकी शादी होगी, इसके लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा। नहीं मानती इनकी बात है, ये तो बस अपने ही वो करे चली आ रही है, बस उसके बाद नहीं बस बहुत हो गया। अच्छा सुनो आप इस तरह नहीं देख लो, घर में बस देख लिया ऐसे क्या अभी बस क्या कहेंगे चलो चलो हम ऐसे काम पे रिश्ता है बाबा जी। मैं बताता हूँ देखो पहले भी तो ऐसे ही थे ना, अगर ये नई जायदाद बिकती ठीक है आप लोग समझ जाएंगे ये नहीं बिकी, और ऐसी रेल है। अब बोल रहे भाई जब हम हमारे पास पैसे होंगे हम आपको दे देंगे, दे लिया रेनी हम इस वक्त जब तक हमने कुछ नहीं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, बिल्कुल छोटी सी, हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम वापस आते हैं उसका सोल्यूशन निकालते हैं।